हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज मैं एसर नाइट्रो 5U 2020 मॉडल का रिव्यू करने वाला हूँ। तो आज मैं इस रिव्यू में लैपटॉप के हार्डवेयर के बारे में, उसके डिस्प्ले, कीबोर्ड और अदर फीचर्स के बारे में ही बात करूँगा। लैपटॉप का मैं गेमिंग टेस्ट नहीं करने वाला हूँ। गेमिंग टेस्ट मैं अलग किसी और वीडियो में बना दूँगा और वो अपलोड कर दूँगा। तो आज सिर्फ बाकी फीचर्स के बारे में ही बात करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लैपटॉप के कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन लिख के रखे हैं, तो आप वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हो। मेरे पास जो असर का मॉडल है उसके अंदर AMD Ryzen 7 4800H 8 कोर 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। उसकी 2.9 GHz की बेस क्लॉक फ्रिक्वेंसी है और 4.2 GHz की टर्बो बूस्ट क्लॉक फ्रिक्वेंसी है। इसके साथ साथ NVIDIA GeForce GTX 1650 का ग्राफिक्स कार्ड आता है, जो कि DDR6 4GB मेमोरी कार्ड के साथ आता है। लैपटॉप के साथ आपको विंडोज 10 होम ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। रैम के बारे में बात की जाए तो आपको 8GB DDR4 3200 MHz की इन बिल्ट सिंगल चैनल रैम मिलेगी। मैंने यहाँ पे 8GB और एक्सटेंड कर चुका हूँ, जो कि एडेटा की है। आपको यहाँ पे WD की थर्ड जनरेशन PCIe, NVMe और 256GB SSD मिलेगी, जो कि 2.4 GBPS का स्पीड प्रोवाइड करती है। इस लैपटॉप में आपको 1920x1080 फुल HD 15.5 इंच 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले मिलेगा। कूलिंग सिस्टम आपको एसर कूल बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ड्यूअल फैन कॉर्ड एग्जॉस्ट कूलिंग सिस्टम मिलेगी, जो कि हाई परफॉर्मेंस गेमिंग के साथ भी आपको 80 डिग्री के आसपास ही टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उससे ज़्यादा आपको टेम्परेचर नहीं मिलता है। आपको यहाँ पे 4-Zone RGB कीबोर्ड मिलेगा, जिसके साथ आप अपना अलग अलग कलर्स कस्टमाइज कर सकते हो। इस लैपटॉप में आपको DTS:X अल्ट्रा साउंड सिस्टम मिलेगी, जो कि 3D साउंड इफेक्ट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप अलग अलग मोड के साथ भी इसको यूज कर सकते हो, लाइक ऑटोमेटिक, म्यूजिक, वॉइस, मूवीज, शूटिंग, तो ये आपको अच्छा साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। कनेक्टिविटी में आपको यहाँ पे इंटेल वाईफाई 6 मिलेगा, जो कि 160 MHz चैनल में आता है, अप टू 2.4 GBPS का स्पीड प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको किलर E2600 का प्रोसेसर मिलेगा इथरनेट के लिए, जो कि किलर कंट्रोल सेंटर 2.0 के साथ आता है, जो आपको वो अप टू 1 GBPS स्पीड प्रोवाइड करता है। किलर इथरनेट आप गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, क्लासिफाई करता है एंड हाई प्रायोरिटी नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जो कि आपके गेमिंग के पैकेट होते हैं वो लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में बात की जाए तो आपको एक साइड में इथरनेट कनेक्टिविटी और उसी के साथ USB 3.2 सेकेंड जनरेशन टाइप ए पोर्ट मिलेगी, जो कि आपको अप टू 10 GBPS प्लस ऑफलाइन चार्जिंग भी प्रोवाइड करता है। उसी के साइड में आपको ऑडियो इनपुट आउटपुट जैक भी मिलेगा, और दूसरे लैपटॉप के दूसरे साइड में आपको USB 3.2 सेकेंड जनरेशन टाइप सी पोर्ट मिलेगा, जो कि आपको अप टू 10 GBPS का स्पीड प्रोवाइड करता है, और उसी के साइड में USB 3.2 फर्स्ट जनरेशन USB पोर्ट मिलता है, जो कि आपको अप टू 5 GBPS स्पीड प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे HDMI 2.0 हाई स्पीड पोर्ट मिलेगा। अभी हम लैपटॉप के टेम्परेचर और उसके अलग अलग मोड्स के बारे में बात करेंगे। जब हम लैपटॉप बैटरी पे यूज़ करते हैं और चार्जर कनेक्ट करके यूज़ करते हैं, तब हमारा टेम्परेचर रीडिंग्स कितना रहता है, वो सब मैंने अलग अलग मोड पे यूज़ करके टेस्ट किया है। तो यहाँ पे जो रीडिंग दिख रही है, वो सब मैंने अलग अलग मोड्स पे इसी लैपटॉप को यूज़ करके टेस्ट की हुई है रीडिंग से, तो आप इसे देख सकते हो। तो भी मैं लैपटॉप के टेम्परेचर और उसके परफॉर्मेंस पे डिटेल वीडियो बना के डाल दूँगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। अभी के लिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए यही पे क्लोज कर लेते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।